F-16 फाइटर प्लेन लेकर भारत की हवाई सीमा में घुसने के लिए पाकिस्तान पर कार्रवाई की जा सकती है। गुरुवार शाम भारत की सेना के अधिकारियों ने इस बात के सबूत दिए थे कि पाकिस्तान के जो लड़ाकू विमान भारत की सरहद में आए वो F-16 थे, लेकिन ये F-16 पाकिस्तान के अपने फाइटर प्लेन नहीं है, बल्कि ये अमेरिका से भारी भरकम शर्तों के साथ मिले हुए हैं। इन शर्तों के मुताबिक पाकिस्तान किसी भी देश के खिलाफ इन F-16 विमानों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर पाकिस्तान ऐसा करना भी चाहे तो उसे इसके लिए अमेरिका से इजाजत लेनी होगी। F-16 अमेरिकी फौज के फाइटर प्लेन हैं जो पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए दिए गए थे। पाकिस्तान ने पिछले कुछ महीनों में ही अमेरिका से 8 F-16 फाइटर प्लेन खरीदने की पेशकश की थी, जिसके बदले में अमेरिका ने पाकिस्तान से करीब 2000 करोड़ रुपए मांगे थे, लेकिन पाकिस्तान ने साफ कहा था कि उसके पास इतने पैसे नहीं है। यानी अब अगर भारत इस बात के सबूत अमेरिका को देता है कि भारत की हवाई सीमा में दाखिल होने वाले विमान F-16 थे, तो पाकिस्तान पर कार्रवाई मुमकिन है। इसी कार्रवाई के तहत पाकिस्तान से F-16 विमान वापस तक लिए जा सकते हैं। तमिलनाडु की कन्याकुमारी में पीएम ने पिछली सरकारों पर आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने यूपीए सरकार के समय हुई आतंकी घटनाओं का जिक्र भी किया। और 26/11 के बाद भारत की तरफ से हुई जवाबी कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए। 26/11 happened in India, expected action against terrorists, but nothing happened. But when Uri happened, you saw what our brave soldiers did. Pulwama happened, and you saw what our brave air warriors did. प्रधानमंत्री ने पुलवामा हमले के बाद सरकार की नीयत पर सवाल खड़े करने वालों को भी करारा जवाब दिया। Sadly, a few political parties guided by Modi hatred have started hating India. No wonder, while the entire nation supports our armed forces, they suspect the armed forces. इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने ये भी साफ कर दिया कि भारत विरोधी बात करने वाले चाहे अनचाहे पाकिस्तान की ही मदद करते हैं। प्रधानमंत्री के वार पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने भी प्रधानमंत्री को बीती बातें याद दिलाई। सवाल ये है कि 24/11 क्या कर रहे थे गुजरात के मुख्यमंत्री? ताज के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, हमने कभी नहीं किया। प्रश्न ये है पठानकोट में क्या किया? कुछ भी तो नहीं, बल्कि ISI को दावत दिया गया था इन्वेस्टिगेट करने के लिए। भारत के जाबाज पायलट अभिनंदन की वतन वापसी के बाद भी भारत पाकिस्तान पर यकीन करने को तैयार नहीं। देश की सभी राजनीतिक पार्टियों ने एक सुर में पाकिस्तान की नीयत पर सवाल खड़े कर दिए। और कांग्रेस ने साफ कर दिया कि विंग कमांडर अभिनंदन के बहाने अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रहे पाकिस्तान पर कतई भरोसा नहीं किया जा सकता। ये अमन और चैन के लिए हुआ है, लेकिन फिर भी हमें ये भी याद रखना चाहिए कि आतंकवाद खत्म नहीं हुआ है, ऐसे खत्म नहीं होगा, और हमें चौकन्ना रहना चाहिए। शिवसेना ने भी भारतीय पायलट को छोड़ने के पाकिस्तान के फैसले को महज दिखावा करार दिया। पाकिस्तान से कोई उम्मीद हम नहीं रख सकते, पाकिस्तान हमारा शत्रु राष्ट्र है, ये बार बार सिद्ध हुआ है। ये गुडविल जेस्चर इस प्रकार से वो पेश कर रहे हैं, मगर ये अंतर्राष्ट्रीय दबाव और भारत की ओर से जो लगातार हम प्रेशर बनाए रखे हैं, हमारे आर्मी और एयरफोर्स ने जिस प्रकार से कार्रवाई शुरू की है और इसी का ये नतीजा है। जबकि RJD ने पाकिस्तान को उसकी अच्छी नीयत साबित करने की चुनौती दे डाली। जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने लिया है, ये एक अच्छा जेस्चर है, लेकिन इसके साथ साथ अब उन्हें जो आतंकी प्रयोगशाला है उनको भी ध्वस्त करने के काम में लगना होगा। जिन्ना और लियाकत अली खान के पाकिस्तान से आज आप मसूद अजहर के पाकिस्तान के रूप में जाने जाते हैं, ये अपने आप में टिप्पणी। आम आदमी पार्टी ने भी पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करके अपनी सही नीयत साबित करने की नसीहत दी। अगर पाकिस्तान वास्तव में गंभीर है तो आतंकवादी कार्रवाइयों पर अपने देश के अंदर सख्त कार्रवाई करके उन स्थितियों को शांत कर सकता है। विंग कमांडर अभिनंदन को छोड़ने का फैसला करके पाकिस्तान दुनिया के सामने अपनी बेहतर तस्वीर पेश करना चाहता है, लेकिन भारत उसकी पुरानी करतूतों को आसानी से भूलने के लिए तैयार नहीं है।
और इसलिए भारत पाकिस्तान को ये याद दिलाना नहीं भूला कि अपनी छवि सुधारने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी होगी। जिनेवा कन्वेंशन के नीचे और उसके तहत कई चीज़ें की जाती हैं, उनको छोड़ा जा रहा है, हमें खुशी है। अगर वो इसको शांति का एक संकेत मानते हैं इसके लिए भी हमें खुशी है, लेकिन उनको बहुत कुछ करना बाकी। हालांकि भारत के रक्षा विशेषज्ञ पाकिस्तान के फैसले को उसका दोहरा रवैया मान रहे हैं। ये हम भी समझते हैं कितना गुडविल जेस्चर है। पहले हमारे कैदियों के साथ इन्होंने जो है वैश्याना बर्ताव किया। बेंगलुरु में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विंग कमांडर अभिनंदन की पाकिस्तान से वापसी पर खुशी जाहिर की। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता अपनी खुशी का इजहार करने के लिए सड़क पर भी निकले और विंग कमांडर अभिनंदन की तस्वीर हाथ में लेकर नारे लगाए। जश्न मना रहे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विंग कमांडर अभिनंदन को अपना हीरो बताया। इसके बाद यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। इवत्तु रिलीज आयतवरे अभिनंदन अवरु नावु युवक कांग्रेस अवरु एल्ला सेरि इवत्तु सेलिब्रेट माड्ता इदीवि। इस बीच एक आदमी वहां आइसक्रीम का रिक्शा लेकर पहुंचा जिसका कार्यकर्ताओं ने मुंह मीठा कराया। इस दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस बात का भी ध्यान रखा कि सड़क पर जाम न लगे। बडगाम में हुए मी 17 हादसे में शहीद सिद्धार्थ वशिष्ठ का चंडीगढ़ में अंतिम संस्कार किया गया। चीन के विदेश मंत्रालय ने बयान दिया कि उसने भारत और पाकिस्तान को परमाणु शक्तियों के रूप में कभी भी मान्यता नहीं दी। शाहरुख खान ने विंग कमांडर अभिनंदन के स्वदेश लौटने पर खुशी जताई। प्रीति जिंटा ने भारतीय वायुसेना और उसकी ट्रेनिंग की तारीफ करते हुए ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, अमेरिका में भी लोग हैरान हैं कि 65 साल पुराना MiG-21 विमान पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान पर भारी पड़ गया। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने गुरदासपुर में BSF की चेक पोस्ट पर जाकर जवानों का हौसला बढ़ाया। पाकिस्तान पर कार्रवाई के बाद पुणे में हलवे के लिए मुफ्त में गाजर बांटने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मोदी का जलवा, घर घर में पकेगा गाजर का हलवा। पाकिस्तान से वापस आने वाले विंग कमांडर अभिनंदन का स्वागत करने के लिए पूरे देश से कई लोग बॉर्डर पर पहुंच गए और अलग अलग तरीके से उनके स्वागत की तैयारी करने लगे। जबकि अमृतसर के सीनियर डिप्टी मेयर भी अपने साथियों के साथ अटारी बॉर्डर पहुंचे और पंजाबी गाने गाकर अभिनंदन के स्वागत की तैयारी में जुट गए। लेना लौर ताके आज नहीं उसानी, तरंगे चंडे चल जानगे, सारे लेजने काब कश्मीर दे लौर नू भी पल जानगे। अभिनंदन का स्वागत करने पहुंचे लोगों ने उनकी हिम्मत की तारीफ भी की। इतने बड़े फौजी का जिसने दुश्मन के पास जाके भी अपनी जो बहादुरी थी, अपनी फौजी ईमान था, उसको नहीं गिरने दिया, उसके सम्मान के लिए आए हैं। इन लोगों ने आतंकवादियों को मदद देने के आरोप लगाकर पाकिस्तान की निंदा की। दिल्ली के बेगमपुर इलाके में एक प्रॉपर्टी डीलर की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि अपने परिवार के साथ जयनगर इलाके में रहने वाले संजीव कुमार अपने किसी दोस्त के ऑफिस में बैठे थे, तभी बाइक सवार एक लड़के ने वहां जाकर उन्हें ऑफिस से बाहर बुलाया। जैसे ही वो ऑफिस से बाहर निकले उसने संजीव को गोली मार दी। गोली मारने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गया। गोली चलने की आवाज सुनकर लोग वहां पहुंचे और संजीव को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जिस जगह इस वारदात को अंजाम दिया गया वहां के CCTV कैमरे खराब थे। परिवार ने आरोप लगाया कि जिस ऑफिस में वो बैठे थे वहां के कुछ लोगों का हत्या में हाथ हो सकता है। एक कॉल आई एक फ्रेंड की कि तेरे पापा को किसी ने गोली मार दी है, उनको शूट कर दिया है जी। तो मैं यहाँ से भागा पापा के लिए, पर पापा हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे, पर वहाँ पे पता चला कि उनकी डेथ हो गई है पापा की। तो मुझे खबर अभी अभी मिली है कि उनको 5-6 गोली शूट की है किसी ने। मेरे को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं साजिश है। अमृतसर के बाघा बॉर्डर पर जाबाज विंग कमांडर अभिनंदन के स्वागत के लिए सुबह से ही लोगों की भीड़ जुट गई। हाथों में फूल माला और तिरंगा लेकर कई लोगों ने देश के हीरो का इंतजार किया और कई घंटे तक पूरे जोश में विंग कमांडर अभिनंदन के स्वागत के लिए वहां खड़े रहे। कई लोग हाथों में तिरंगा और ढोल नगाड़े लेकर वाघा बॉर्डर पर पहुंचे और उन्होंने ढोल बजाकर पायलट की वापसी का जश्न मनाया। वाघा बॉर्डर पर जुटे लोगों ने वायुसेना के जाबाज पायलट के समर्थन में नारेबाजी भी की।
देश भर से कई लोग अभिनंदन की एक झलक पाने के लिए बेताब थे। कई लोग तो ऐसे भी थे जो दूसरे राज्यों से गुरुवार की रात ही देश के हीरो का स्वागत करने वहां पहुंचे। देश के लोगों में उत्सुकता है कि ये जो पाकिस्तान से भारत के अंदर प्रवेश करते हुए वो अपने हीरो को देखना चाहते हैं कि कैसे पाकिस्तान ने हमारे हीरो को लौटाया, और इसीलिए ये ढोल आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर, इसीलिए तमाम स्थानीय लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इस बीच लोगों ने दावा किया कि भारत के कड़े रुख के बाद पाकिस्तान को झुकना पड़ा, जिसकी वजह से ही विंग कमांडर अभिनंदन की वापसी मुमकिन हो पाई, लिहाजा वो अपने तरीके से अभिनंदन की वतन लौटने की तैयारी में जुट गए। और इनमें पंजाब का रहने वाला एक परिवार भी शामिल था जो करीब 200 किलोमीटर बाइक चलाकर वाघा बॉर्डर पहुंचा। ये गुरदयाल सिंह जी हैं जो कि अमृतसर से करीब 200 किलोमीटर दूर दसुआ के रहने वाले हैं पंजाब के, और एक फूल माला जो कह रहे हैं कि अपने हाथ से बनाई है उसको लेकर आए हैं। इस बीच लोगों ने विंग कमांडर अभिनंदन की बहादुरी और जज्बे को सलाम भी किया। सर उनकी बहादुरी को सलूट करते हैं। वहीं लोगों की भीड़ को देखते हुए वाघा बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई और चप्पे चप्पे पर पंजाब पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों को तैनात किया गया, क्योंकि दोपहर के वक्त जुटने वाली भीड़ वायुसेना के पायलट अभिनंदन के स्वागत के लिए सुबह से ही वहां जुट गई। और पंजाब पुलिस के जवान रस्सी पकड़कर वाघा बॉर्डर के आसपास एक कतार में खड़े हो गए। पुलिस की तमाम तैयारी, पूरा सरकारी अमला यहां पर तैयार है। उसके साथ साथ अगर देखें तो जो लोग यहां पर पहुंचते हैं वो दोपहर बाद पहुंचना शुरू होते हैं। साथ ही पंजाब पुलिस ने भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से ठीक 2 किलोमीटर पहले अटारी बॉर्डर पर बैरिकेडिंग भी लगा दी। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस पर पंजाब पुलिस के जवानों और अफसरों को लगाया गया है। मैं यहां पर अटारी बॉर्डर पर मौजूद हूं। सामने आपको बोर्ड दिखाई देगा, इस्लामाबाद 322 किलोमीटर और लाहौर 24 किलोमीटर का ये एक बोर्ड लगा हुआ है। भारत पाकिस्तान की सीमा यहां से 2 किलोमीटर दूर है। भारत और पाकिस्तान के झंडे भी लहराते हुए ऊपर दिखाई दे जाएंगे। यहां पर पंजाब पुलिस के जवान लगातार चेकिंग कर रहे हैं। वहीं भारत पाकिस्तान तनाव के बीच अटारी रेलवे स्टेशन पर सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। आतंकी ठिकानों पर भारत की एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान में बैठे आतंकी डर गए हैं, उन्हें अपने रिश्तेदारों की फिक्र सताने लगी है। न्यूज 18 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक बालाकोट पर भारत की एयर स्ट्राइक से डरे आतंकी मसूद अजहर ने अपने संगठन जैश ए मोहम्मद में कई बड़े बदलाव किए हैं। उसने अपने भाई अब्दुल असगर को छोड़कर बाकी सभी रिश्तेदारों को जैश ए मोहम्मद की कोर टीम से हटा दिया है। इसके पीछे भारत की एयर स्ट्राइक वजह है, क्योंकि उस एयर स्ट्राइक में मसूद अजहर का भाई और उसका साला यूसुफ अजहर निशाने पर था। इसके अलावा भारत के डर से लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन ने भी अपने आतंकी संगठन में बदलाव किया है और अपने रिश्तेदारों को बचाने के लिए उन्हें अपनी टीम से हटा दिया है। पाकिस्तान से विंग कमांडर अभिनंदन के भारत वापस आने पर सारे देश के लोगों ने अपनी खुशी जाहिर की। जश्न मना रहे लोगों ने इस कूटनीतिक जीत के लिए पीएम का शुक्रिया अदा किया। और जश्न मना रहे लोगों ने पाकिस्तान से मसूद अजहर को भी भारत को सौंपने की मांग की। अभिनंदन का तो अभिनंदन है, साथ साथ में मसूद अजहर भी चाहिए, जिंदा या मुर्दा। उधर मुंबई में भी अभिनंदन के वापस लौटने पर लोग खुश दिखे और हमेशा सेना के साथ रहने का दावा किया। हमारे इस विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान पर हमें गर्व है, इस माटी के लाल पर, इस वीर सपूत पर, और हम पूरी जनता, हमारी पूरी हम भारतवासी उनके साथ हैं। अभिनंदन के भारत वापस लौटने की खुशी के बीच लोगों का पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा कम नहीं हुआ। लोगों ने भारत की बातचीत की पेशकश को पाकिस्तान का छलावा करार दिया और पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। इमरान खान जो कह रहे हैं शांति वार्ता, उनका एक छलावा है। पाकिस्तान 1947 से हमेशा छलावा ही करते आया है। दिल्ली में भी लोगों ने अभिनंदन की वापसी पर जश्न मनाया और आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रखने की मांग की। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रखनी चाहिए भारत को, और आज भारत के सामने पाकिस्तान झुक गया और मसूद अजहर के खिलाफ जो है इस समय उनके पर बैन लगाना चाहिए। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए पाकिस्तान को उसकी जमीन पर चल रहे आतंकी ठिकानों को खत्म करने को कहा। अमेरिका ने पाकिस्तान की सरपरस्ती में चल रहे आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के खिलाफ बड़ी मुहिम चलाने का ऐलान भी किया। साथ ही जैश और उसके सरगना मसूद अजहर के खिलाफ हर तरह की कानूनी कार्रवाई का दावा किया। अमेरिका ने पाकिस्तान की सरकार से आतंकी संगठनों की फंडिंग रोकने के लिए कड़े कदम उठाने को कहा। अमेरिका के विदेश विभाग ने पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नियमों को हर हाल में मानने की नसीहत भी दी। पाकिस्तान में फंसे भारतीय पायलट अभिनंदन की रिहाई से पहले देश भर में जश्न मनाया गया। ओडिशा के भुवनेश्वर में बीजेपी ने विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई को पाकिस्तान पर बड़ी जीत बताया और उनके देश लौटने पर पटाखे छोड़कर अपनी खुशी का इजहार किया।
भुवनेश्वर में पाकिस्तान से भारतीय पायलट की रिहाई पर बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न मनाने के लिए सड़कों पर उतरे थे। ढोल नगाड़ों और तिरंगे की हवा में लहराकर विंग कमांडर की रिहाई का जश्न मनाया गया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक के बाद एक कई पटाखे भी छोड़े। लोगों ने भारत के दबाव के आगे घुटने टेक देने वाले पाकिस्तान के खिलाफ भी नारे लगाए और जश्न मनाया। भुवनेश्वर ही नहीं, महाराष्ट्र के नागपुर में भी भारतीय पायलट की रिहाई से पहले लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली। विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तानी लड़ाकू विमान को मार गिराने के बाद पाकिस्तान में फंस गए और जब उनकी रिहाई हुई तो जश्न भी उसी तरह मनाया गया। नागपुर में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और तिरंगा यात्रा निकाली। बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। भारतीय पायलट अभिनंदन को देश का अभिमान बताते हुए लोगों ने हवा में तिरंगा झंडा लहराया। तिरंगा यात्रा में देशभक्ति के गानों को सुनते और गुनगुनाते हुए लोग आगे बढ़ रहे थे और हर कोई विंग कमांडर अभिनंदन को सलाम कर रहा था। तिरंगा यात्रा में अलग अलग वेशभूषा में कुछ बच्चों ने भी हिस्सा लिया। एक बच्चे को भारत माता की वेशभूषा में दिखाया गया तो एक बच्चे को फौजी की तरह दिखाया गया। खास बात ये थी कि मार्च निकाल रही महिलाओं ने भी पगड़ियां पहन रखी थी। उत्तराखंड के देहरादून में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विंग कमांडर अभिनंदन के वतन लौटने पर जश्न मनाया। ये लोग अपनी खुशी का इजहार करने के लिए सड़कों पर उतरे और पटाखों को जलाकर पायलट अभिनंदन के भारत लौटने का जश्न मनाया, जिसके बाद लोगों ने हाथों में अभिनंदन की तस्वीरें और तिरंगा लेकर एक मार्च निकाला। इस दौरान उन्होंने विंग कमांडर के वतन लौटने का अपने अंदाज में स्वागत किया। इसी बीच बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने देशभक्ति के नारे भी लगाए। साथ ही लोगों ने भारत सरकार से पाकिस्तान में आतंकियों की जड़ से खत्म करने की मांग की और वतन लौटे विंग कमांडर अभिनंदन की बहादुरी की तारीफ की। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इस बीच वायुसेना के जाबाज पायलट को शुभकामनाएं भी दी और ढोल की थाप पर जमकर डांस किया। इस मौके पर लोगों ने आतंकवाद के खिलाफ सरकार के उठाए गए कदमों की तारीफ भी की। आतंकवादियों की नस्ल को पूरी तरह से खत्म करने का जो बीड़ा केंद्र सरकार ने उठाया है उसे हर राष्ट्रवादी ने अपनाया है। साथ ही पाकिस्तान पर आगे भी कार्रवाई जारी रखने की मांग की। भोपाल में हुए वंदे मातरम कार्यक्रम में विंग कमांडर अभिनंदन की पाकिस्तान से वापसी की खुशी और जोश दोनों दिखाई दिए। मुख्यमंत्री कमलनाथ भी हर महीने की पहली तारीख को होने वाले इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसमें तिरंगा हाथ में लेकर लोगों की भीड़ शौर्य स्मारक से सचिवालय तक पैदल पहुंची। इस दौरान सबसे आगे चल रहे बैंड पर देशभक्ति की धुनें बजाई जा रही थी। वहीं इस बार हुए वंदे मातरम कार्यक्रम में विंग कमांडर अभिनंदन की पाकिस्तान से वापसी का जोश भी साफ दिखा। तिरंगा लेकर चल रहे कुछ लोग एक जगह रुक गए और तिरंगे के नीचे वंदे मातरम के नारे लगाए। कमलनाथ सरकार के ये दूसरी बार ये कार्यक्रम वंदे मातरम का हो रहा है, लेकिन साथ में एक खुशी जुड़ी हुई है अभिनंदन की वापसी की और इस बात को लेकर खासा इस कार्यक्रम में जोश है, उत्साह है। इसके बाद नारे लगाते हुए सभी लोग सचिवालय पहुँचे, जहां वंदे मातरम कार्यक्रम की सारी तैयारियां पहले से पूरी थी और मुख्यमंत्री कमलनाथ भी अपने कुछ मंत्रियों और सुरक्षा कर्मियों के साथ मंच पर मौजूद थे, जिसके बाद सभी ने तिरंगे के नीचे राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और राष्ट्रभक्ति से जुड़े गीत गाए। इस दौरान देशभक्ति से जुड़ी कुछ धुनें बैंड पर भी बजाई गयी। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कुछ देर के लिए तिरंगा हाथ में लिया और फिर सामने खड़े लोगों को सैल्यूट किया। मुख्यमंत्री ने विंग कमांडर अभिनंदन की वतन वापसी पर खुशी जाहिर की। पूरे विश्व के अन्य देशों ने जो दबाव डाला है पाकिस्तान पर, मानते हुए कि पाकिस्तान आतंकवादियों का संरक्षण करती है, ये खुशी की बात है। मध्य प्रदेश में वंदे मातरम कार्यक्रम शिवराज सिंह चौहान की सरकार में शुरू किया गया था, जिसे कमलनाथ सरकार ने भी जारी रखा है।